हाल ही में हुए उड़ीसा ट्रेन हादसे की तरह ही आज से लगभग 42 साल पहले 6 जून 1981 को बिहार में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था। इस रेल हादसे को पूरी दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा रेल हादसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस हादसे में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों का तो डेड बॉडी भी बरामद नहीं हुआ था। उस समय बरसात का मौसम था। 6 जून 1981 में शाम के समय 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी। यह पैसेंजर ट्रेन एकमात्र ऐसी ट्रेन थी जो खगड़िया से सहरसा तक का सफर तय करती थी। यह एकमात्र ट्रेन होने के चलते इसमें बड़ी संख्या में यात्री सफर कर रहे थे। उस दिन भी ट्रेन लोगों से भरी हुई थी, अंदर से लेकर बाहर तक लोग भरे पड़े थे। ट्रेन अपने रास्ते पर जा रहा था तभी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज आंधी बारिश होने लगी। जैसे ही ट्रेन बदला स्टेशन पार किया, आगे बागमती नदी थी। इस ट्रेन को बागमती नदी पर बने पुल से गुजरना था, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने पुल पर चढ़ाई की तभी कुछ मिनट बाद ट्रेन ड्राइवर ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के तुरंत बाद ही 9 बोगियों में से 7 बोगियां अलग होकर उफनती बागमती नदी में जा गिरी और देखते ही देखते पूरा मंजर बदल गया। चारों ओर चीख पुकार मचने लगी। भारी बारिश होने के कारण तुरंत से लोगों को सहायता नहीं मिल पाई। इस भीषण हादसे में लगभग 1000 के आसपास लोगों की मौत हो गई। इसमें टोटल कितने लोगों की मौत हुई ये एग्जैक्ट आज तक पता नहीं चल पाया। हादसा इतना दर्दनाक हुआ था कि कई यात्रियों के तो डेड बॉडीज भी बरामद नहीं हुआ। कुछ लोग दबकर मर गए तो कुछ लोग डूब कर। जिन्हें तैरना आता था वो ट्रेन से बाहर ही नहीं निकल पाए और जो बाहर आ पाए वो नदी के बहाव में बह गए। यानी मौत से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। आमतौर पर राहत बचाव का कार्य 24 से 48 घंटों तक ही चलता है, लेकिन यह हादसा इतना दर्दनाक था कि लोगों की लाशों को निकालने में कई हफ्तों तक का वक्त लग गया। राहत बचाव टीम और गोताखोर को केवल 286 डेड बॉडीज बरामद हुए, कईयों का तो पता भी नहीं चल सका। ये रेल हादसा भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसे आज भी याद कर लोगों की आंखें नम हो जाती है। बागमती नदी पर हुए इस हादसे में एक सवाल ही बनकर रह गया है कि आखिरकार ट्रेन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो लगाई क्यों। इस घटना को लेकर कईयों का कहना है कि सामने गाय या भैंस के आ जाने से इमरजेंसी ब्रेक को लगाया गया था, तो किसी का कहना है कि ट्रेन के खिड़की दरवाजे बंद थे जिसके कारण तेज आंधी तूफान का सारा दबाव ट्रेन पर पड़ गया जिससे ट्रेन नदी में जा गिरी। हालांकि इस हादसे का सटीक कारण आज तक पता नहीं चल पाया।